हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत ही शानदार चल रही है दोस्तों। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम आपके लिए यूपी ट्रिपल एससी पैट की शानदार जीके जीएस की स्पेशल क्लासेस लेकर आते हैं, जिसमें हम आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन ऐसे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे दोस्तों। और प्रतिदिन क्लास सुबह 11 बजे आती है, तो एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम एक्सप्रेस के शानदार सफर में। तो देर ना करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अपने आज का पहला क्वेश्चन। आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि भारत में डाक सूचकांक प्रणाली यानी पिन कोड की प्रणाली, जो आप जानते हो, का शुभारंभ कब हुआ था दोस्तों? ऑप्शन नंबर यहां पर ए हो जाएगा 1956, बी हो जाएगा यहां पर हमारा 1964, सी हो जाएगा यहां पर दोस्तों हमारा 1972 और डी हो जाएगा 1944। तो भारत में डाक सूचकांक जो प्रणाली है दोस्तों, उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो उसकी शुरुआत 1972 में हुई थी। कब हुई थी? 1972। ऑप्शन नंबर हमारा सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? दिक्कत तो नहीं किसी को? कोई दिक्कत हो अगर आप तो बिल्कुल पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सिंधु घाटी सभ्यता में एक बड़ा स्नान घर कहां मिला दोस्तों? ठीक है ना, ये क्वेश्चन आते हैं याद रखिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता में एक बड़ा स्नान घर कहां मिला? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मोहनजोदड़ो में, बी हो जाएगा कालीबंगा में, सी हो जाएगा लोथल और डी हो जाएगा रंगपुर दोस्तों। तो मैं अगर आपको बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक बड़ा जो स्नान घर मिला है वह कहां पर मिला है, तो वह मिला है दोस्तों मोहनजोदड़ो में। कहां पर? ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? अच्छा, हर ऑप्शन का आंसर मैं आपको लिखकर इसलिए बता देता हूं ताकि आपके माइंड में कैप्चर कर जाए कि इसका आंसर सर ने हाँ लिखकर बताया था, इसलिए मैं हर क्वेश्चन का आंसर लिखकर बता दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन क्या है? केवला की सर्वोत्तम किस्म कौन सी होती है? एसएससी में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओएमपी की शायद मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो केवला होता है उसकी जो सर्वोत्तम किस्म कौन सी होती है, यानी सबसे अच्छा केवला होता है वो कौन सा होता है, क्योंकि केवले में भी आपको मालूम है वैरायटी होती है अलग अलग, ठीक है, उनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। सबसे पहले क्या करेंगे, इनके ऑप्शन पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लिग्नाइट केवला, बी हो जाएगा बिटूनिमस केवला और यहाँ पर सी हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों हमारा डोलोमाइट केवला और डी हो जाएगा एंथ्रेसाइट केवला दोस्तों, ठीक है ना। चलिए, तो मैं अगर आपको बता दूं जो केवला की सबसे अच्छी जो किस्म होती है वो कौन सी होती है, एंथ्रेसाइट केवला दोस्तों। कौन सी होती है? एंथ्रेसाइट केवला। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर दोस्तों। क्लियर है यहां तक? तो केवला की सबसे सर्वोत्तम यानी सबसे अच्छी किस्म होती है उसको हम बोलते हैं एंथ्रेसाइट केवला दोस्तों। क्लियर है यहां तक? एनी क्वेश्चन किसी को? चले, अच्छा, जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन जरूर कर दीजिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। यूपी ट्रिपल एससी पैट की बहुत सारी क्लासेस हमारे बैचेस पे चलती है, आप चैनल को विजिट करके प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैथ की भी क्लासेस मिल जाएगी, रीजनिंग की क्लासेस मिल जाएगी और हिंदी की क्लासेस मिल जाएगी और इसके साथ साथ आपको जीके जीएस की जो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये क्लासेस में मिल जाएगी। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? कल मैंने शायद आपको ट्रेन बताया था, शायद एसएससी जीडी की क्लास में बताया था, किसी क्लास में बताया था, ज्यादा याद नहीं आ रहा मेरे को, ठीक है। चलिए, तो मैंने आपको कल बताया था कि कौन सी दो देश के बीच ट्रेन चलती है, और यानी कहने का मतलब था पाकिस्तान और इंडिया के बीच कौन सी ट्रेन चलती है, लेकिन ट्रेन का नाम तो कल मैंने बता दिया था समझौता एक्सप्रेस। लेकिन अब यहां पर एक और है कि लाहौर और दिल्ली जो बस सेवा है दोस्तों वह क्या कहलाती है, उसको किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए हो जाएगा सदाए अमन, बी हो जाएगा सद्भावना एक्सप्रेस और सी हो जाएगा मैत्री एक्सप्रेस और डी हो जाएगा सदा ए सरहद एक्सप्रेस दोस्तों, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर मैं अगर आपको बताने की कोशिश करूं कि लाहौर और दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है जो दोनों के बीच चलती है, उस बस को हम क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं सदाए सरहद, सदाए सरहद बस सर्विस दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा, सदाए सरहद बस सर्विस, ठीक है ना। ये क्या होता है, दिल्ली से लाहौर के बीच चलती है, यानी इंडिया से भारत से पाकिस्तान के बीच चलती है। क्लियर है यहां तक? और एक ट्रेन भी चलती है जिसका नाम क्या है, उसका नाम है समझौता एक्सप्रेस। क्या नाम है? जो कि आपने अगर भाईजान पिक्चर देखी हुई बजरंगी भाईजान तो उसमें आपको बताया होगा समझौता एक्सप्रेस, ठीक ना। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं एंड अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कौन सा अभ्यारण जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है, कौन सा अभ्यारण जो जंगली हाथी को लिए हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए, ऑप्शन नंबर यहां पर ए हो जाएगा बांधवगढ़ अभ्यारण मध्य प्रदेश, बी हो जाएगा राजा जी उत्तराखंड अभ्यारण, सी हो जाएगा पेरियार केरल अभ्यारण,
डी हो जाएगा काजीरंगा असम, जो कि एक सींगी की गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो यहां पर अगर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, तो यहां पर देखिए मैं अगर आपको बता दूं तो जंगली हाथी के लिए पेरियार अभ्यारण्य है जो वो प्रसिद्ध है दोस्तों। कौन सा अभ्यारण्य है? पेरियार अभ्यारण्य, जो कि कहां पर है? केरल में है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? याद रखिए जितने भी ये क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बिल्कुल मिस मत करिए। अच्छा एक और चीज इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि देखिए दोस्तों आपके सपोर्ट और सहयोग से ही हमने इस क्लास को स्टार्ट किया था। आप ही लोगों ने कहा था कि सर ये क्लासेस स्टार्ट कर दीजिए। अब जब क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, इतना समय बीत चुका है, एग्जाम नजदीक आ चुके हैं, अब आपको रिदम में अपनी पढ़ाई को लाना है। प्रतिदिन क्लास को देखिए, बहुत ही कम व्यूज आते हैं। और जो भी स्टूडेंट नए, जो दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके कहने पर ही हमने ये बैचेस को स्टार्ट किया था। ठीक है ना? बाकी एसएससी जीडी की भी हम तैयारी करा रहे हैं, अग्निवीर की भी हम तैयारी करा रहे हैं, और यूपी त्रिपुरा सिंह पैट की भी करा रहे हैं, और आगामी परीक्षा जो भी आएगी हम उनकी भी तैयारी आपको ऐसे ही कराएंगे। तो भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जिम कार्बेट नेशनल पार्क नैनीताल उत्तराखंड, और बी हो जाएगा मानस राष्ट्रीय उद्यान असम, सी हो जाएगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, और डी हो जाएगा राजा जी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। यहां पर अगर देखा जाए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा होगा, भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, उत्तराखंड में किया गया था, जिम कार्बेट नेशनल पार्क दोस्तों। ठीक ना? कौन सा? जिम कार्बेट नेशनल पार्क नैनीताल उत्तराखंड। क्लियर है? एनी क्वेश्चन इतने में से किसी को? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। एंड अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है जल्दी से हम उसको भी देखेंगे। क्वेश्चन कहता है कि भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहां हिमालय पर्वत है वहां पहले क्या था? ठीक ना? जो भूवैज्ञानिक है उनके अनुसार अगर माने तो अगर आज जिस जगह पर हिमालय जितने बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक ना, तो उसके पहले वहां पर क्या था ये हमको बताना है। ऑप्शन नंबर ए जगह हिंद महासागर था, बी ऑप्शन था लिथिस नामक सागर, सी जगह काला सागर, डी जगह तिब्बत का पठार, क्या था ये हमको बताना है। तो याद रखिए जो भूवैज्ञानिक के अनुसार जहां पर आज हिमालय पर्वत है वहां पर पता है आपको क्या था? तिथिस नामक सागर था दोस्तों। क्या था? तिथिस नामक सागर था। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? अच्छा इन क्वेश्चनों की अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो तो आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया रखा है। अच्छा एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूं कि देखिए हमारे द्वारा अब आपको प्रतिदिन जॉब्स के अपडेट भी दिए जा रहे हैं, तो जॉब्स के अपडेट भी आप लोग देख सकते हैं। प्रतिदिन आपको एक जॉब का अपडेट हम देते हैं, प्ले लिस्ट भी मैंने ऑलरेडी बना रखी है, तो आप विजिट करके उनको देख सकते हैं और क्या कर सकते हैं, इसके साथ साथ उनको आप अप्लाई भी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है भारत व विश्व की सबसे लंबी सुरंग यानी अटल सुरंग किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ठीक है ना? क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? भारत व विश्व की सबसे लंबी सुरंग यानी अटल सुरंग किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तराखंड में, बी हो जाएगा हरियाणा में, सी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में, और डी हो जाएगा राजस्थान में। देखिए आज सुरंग से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन हमने कराए हैं, शायद कल की एसएससी जीडी की क्लास में भी मैंने ये क्वेश्चन करा दिया था, और ये यूपी त्रिपुरा सिंह पैट की क्लास में भी आपको करा रहा हूं। ठीक है ना? चलिए ट्रेन की सुरंग के बारे में मुझे क्लियर नहीं, क्योंकि दो दिन क्लास में लेता हूं तो मुझे इतना याद नहीं रहता है। चलिए तो भारत व विश्व की सबसे लंबी सुरंग यानी अटल सुरंग आपको पता है किस राज्य में? चलिए मैं बता देता हूं, हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है? किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर कौन सा से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? दिक्कत तो नहीं किसी को? एनी क्वेश्चन? चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है जल्दी से देखेंगे। क्वेश्चन कहता है भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? जो भारत की स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है ये हम आपको बताना है। एसएससी के एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, याद रखिए, और अब आप गलत मत करना क्योंकि अब मैं आपको इसका आंसर बताने जा रहा हूं दोस्तों। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा 10,000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर, बी हो जाएगा 15,200 किलोमीटर, सी हो जाएगा 7,600 किलोमीटर, और डी हो जाएगा 18,760 किलोमीटर दोस्तों। ठीक ना? तो याद रखिए भारत की जो लंबाई है स्थलीय सीमा की बात कर रहा हूं मैं, यहां पर कितनी है? 15,200 किलोमीटर।
कितनी है 15,200 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर हमारा बी इज द राइट आंसर। क्लियर है यहां तक? एनी क्वेश्चन यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, इन क्वेश्चनों को लेकर अगर आपके मन में कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी कंफ्यूजन होता है, तो आप बेफिक्र होकर उनको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों, ठीक ना। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया रखा है, इंस्टाग्राम चैनल का भी मैंने लिंक दिया रखा है दोस्तों, ठीक ना। चलिए, तो आज के लिए क्लास में इतना ही रहने देते हैं, और उम्मीद है क्लास और आपको क्लास और क्लास का कंटेंट दोनों पसंद आए होंगे। तो मिलते हैं कल एक और नई क्लास के साथ, एक और नए कंटेंट के साथ दोस्तों। जब तक दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।